बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स खूब चल रहा है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान से सरकार की टेंशन बढ़ गई होगी। सोमवार को जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक मंच से मंत्रालय बंटवारे पर असंतुष्टि जाहिर की है। मांझी का कहना था कि हमें कोई भी बड़ा विभाग या मंत्रालय क्यों नहीं दिया जाता, जब मैं मंत्री था तब भी SC ST मंत्रालय दिया गया, अब बेटे संतोष को भी यही विभाग दिया जा रहा है। बता दें कि 28 जनवरी को बिहार में तख्ता पलट हुआ था और एनडीए की सरकार बनी थी। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम पद की शपथ लिए। बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बनाया गया, साथ ही 5 मंत्रियों ने शपथ भी ली थी। हम कोटे से संतोष सुमन भी मंत्री बनाए गए थे। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। इससे पहले जब संतोष महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे तब भी उन्हें SC ST कल्याण विभाग दिया गया था। इसके अलावा जब जीतन राम मांझी बिहार सरकार में मंत्री थे तब भी उनके पास इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसी मुद्दे पर असंतोष जाहिर किया है। मांझी ने कहा कि हम कोटे से मंत्री संतोष सुमन को SC ST कल्याण विभाग मिलने पर नाराज दिखे और मंच से कहा कि मैं मंत्री था तब भी यही विभाग मिलता था, अब बेटे को भी यही विभाग मिला है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पथ निर्माण और भवन निर्माण का विभाग हम लोगों को नहीं मिल सकता, मुझे इस बात का दुख है। जीतन राम मांझी रविवार को गया के वजीरगंज के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दरअसल बिहार के सियासत में दांव पेंच से माहौल गरमाया हुआ है। हम की कोशिश है कि नई सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग लिया जाए या एक और मंत्री की मांग को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जीतन राम मांझी के बारे में चर्चा हो रही है कि वो महागठबंधन खेमे के संपर्क में हैं। ऐसी खबरें बार बार आईं और मंत्री संतोष सुमन ने इन खबरों को खारिज भी किया। जब इस्तीफे की चर्चाओं पर संतोष सुमन को देनी पड़ी सफाई। रविवार देर शाम भी एक चर्चा सामने आई कि मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नई सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा इतनी ज्यादा हुई कि बाद में खुद संतोष सुमन ने ट्वीट करके कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एनडीए के साथ हूं, चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि दूसरे खेमे में डिप्टी सीएम और सीएम पद का ऑफर मिल रहा है, इसके बावजूद वो एनडीए के साथ खड़े हैं। अब एनडीए की सरकार में जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन को जो विभाग दिया गया है वो पुराना मंत्रालय है, जिसकी जिम्मेदारी पहले भी महागठबंधन की सरकार में संतोष सुमन के पास रही है।